हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग कुछ इस टाइप से ब्लैक एंड कॉरल टोन में फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी से आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाला फोटो को लेता हूँ, एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर हमारी फोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +20, एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को भी बढ़ा देंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +25, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ करेंगे हम +8, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम सेकंड वाले ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को ज़्यादा नहीं यहाँ करेंगे हम -5, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ करेंगे हम +14, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ करेंगे हम +20, एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे हम -100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी माइनस क्यू लेके जाएंगे। तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ करेंगे हम -60, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे हम -100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी माइनस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ करेंगे हम -45, एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे, एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी कर देंगे -100, एंड ऊपर से कर देंगे डन। एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को करेंगे हम +37, एंड यहाँ से DH की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है उसमें हमें HDR इफेक्ट मिले। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +12, एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस की लेके जाएंगे। तो गाइस, विनेट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -42, एंड यहाँ से मीट फॉन्ट की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो मीट फॉन्ट की वैल्यू को अपने फोटो के सब्जेक्ट के हिसाब से रखनी है, तो मैं इसे रखता हूँ +8, एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो फेदर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +65, एंड यहाँ पर राउंडनेस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे, तो राउंडनेस की वैल्यू को ज़्यादा नहीं यहाँ से करेंगे हम -13, एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो थोड़ा और शाइन करे। ठीक है, तो इसे रखते हैं 21, एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे। तो इसे रखते हैं 40, एंड यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर है कलर नॉइस रिडक्शन, एंड यहाँ से इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी बैकग्राउंड कलर है वो भी परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। तो गाइस, हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं, बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी, एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस, आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को ये एडिटिंग पसंद आए, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड एक्सेप्ट डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।